और एक और क्वेश्चन है ना, आपके दिमाग की बत्ती है ना, मतलब है ना, कुछ चीज़ें आपको गीवन है बेटा, कुछ चीज़ें आपके गीवन है, आपको गीवन है कि सेक अक्स माइनस टेन अक्स इक्वल्स टू पी। तो आपसे पूछा गया है कि भाई आप सेक अक्स बताओ, सेक अक्स बताओ, है ना, बता तो सकते हो। अगर मेरी आंखों से देखोगे, मेरी आंखों से देखोगे आप, तो आप सेक अक्स बता सकते हो। सर मेरी आंखों से क्या देखना है, मैं बोलूँगा अरे हमने जो फॉर्मूला देखा था, हमने जो आइडेंटिटीज देखी थी, कहाँ रह गई है वो आइडेंटिटीज। हाँ हमने फंडामेंटल आइडेंटिटीज के बारे में देखा था, और फंडामेंटल आइडेंटिटीज के बारे में अब भी दिखाना ज़रूरी है। हाँ सर ये रही फंडामेंटल आइडेंटिटीज, और फंडामेंटल आइडेंटिटीज में हमने ना जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के एक बात बोली थी कि अगर ऐसी चीज़ें आ जाए तो उसको इस तरीके से देखा जा सकता है। सर देखा तो था आपने, लेकिन हमारे याद नहीं किया, तो मूर्खता वाली बातें तो हम ही कर रहे हैं। लेकिन मैं फिर भी आपको मूर्ख नहीं बोलूँगा, आप थोड़ा सा आँख खोल के देखिएगा। अगर ये सेक अक्स प्लस टेन अक्स है, सेक अक्स माइनस टेन अक्स है, तो हम ऐसे लिखा था ना हमने, सेक अक्स माइनस टेन अक्स इक्वल टू वन बाई पी। ओहो इक्वल टू सेक अक्स प्लस टेन अक्स। हाँ जी ये पी है, तो इसकी जगह ये क्या हो जाएगा, सेक अक्स प्लस टेन अक्स इक्वल टू वन बाई पी। और यहाँ से आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो ये कट गया, यहाँ हुआ आपका टू सेक अक्स इक्वल टू पी प्लस वन बाई पी। अब आपसे जो पूछा गया है आप इजी निकाल सकते हो, यहाँ वन बाई टू पी प्लस वन बाई पी। मैं आपको फिर भी बोल रहा हूँ आंसर लाना कोई बड़ी भारी बात नहीं है, है ना, आंसर को किस तरीके से सोचना है वो बड़ी भारी बात है। बहुत सारे आंसर आ रहे हैं कि सर आप देख नहीं रहे हो, बेटा मैं सबका देख रहा हूँ, लेकिन आ वो क्वेश्चन हाँ जी आप आंसर देख रहे होंगे, ये क्या लिख रहे हैं, कल वाली बात है ना, कल वाली बात है। उसका रिप्लाई तो मैं दूंगा आपको, लेकिन थोड़ा सा वेट कीजिएगा।